अशीन भाई अगर बाबर को फेस मेरा सो अशीन भाई से अगर बाबर को फेस करते हैं पहले ओवर में तो यार कर मारेंगे उनको कि नहीं आउट करेंगे। ये प्योर लाहौरी था यानी बाबर को आपने आउट कर मारा तो नहीं बाबर को मैं ट्रॉफी खिलाऊंगा। क्या बात और आप कौन से प्लेयर से इंस्पायर हुए थे क्रिकेट में? इन्हें देना क्रिकेट में देखिए हर किसी की ड्रीम होती है कि अपने कंट्री लेके ले। जब मुझे पाकिस्तान का स्टार लगा तो ये मेरे लिए अच्छा मोमेंट था और अब हर किसी के लिए होता है। दूसरे मेरे रोल मॉडल मेरा बड़ा भाई रियाज अफरीदी और फिर उसके बाद शाहिद अफरीदी। कोई और हो ना हो शाहिद जरूर रोल मॉडल है इसके। चैंपियन बने जिस साल में काफ़ी सारे मैचेज ऐसे थे जो बहुत करीबी मामला हुआ तो आपके एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मैच था रन्स कम थे लेकिन आपने कमबैक किया उस मैच में कौन सा ऐसा खास लम्हा था जिसमें आपने जाती तौर पे बहसीत कप्तान किसी का मशवरा सुने बगैर फैसला किया पहले बॉलिंग करने का और सबसे मुश्किल मैच आपके ख्याल में फाइनल से पहले कौन सा था? देखिए आई थिंक ओवरऑल जो हमने क्रिकेट खेली है काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है और आई थिंक ये पूरा जो क्रेडिट जाता है वो लड़कों को ही जाता है क्योंकि जो बाहर बैठने वाले भी थे वो भी यही सोच रहे थे कि हम चैंपियन हो जाएं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्लेयर या मैनेजमेंट का बंदा नहीं था कि वो कह रहा था कि हम मैच हारे और या हम बाहर हो जाएं। आखिरी बॉल तक यही था शुरू से जब उनसे बात हुई थी कि आखिरी बॉल तक लड़ना है हारने के लिए किसी ने नहीं सोचना अपना बेस्ट देना है रिजल्ट फिर देखी जाएगी। कप्तान जब फील्डिंग सेट कर रहा होता है या बॉलिंग देख रहा होता है तो वो बहुत कभी परेशान भी होता है T20 में चौके छक्के भी लगते हैं ये आप क्या खाते हैं मुस्कुराते ही रहते हैं? देखिए मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर की जो बॉलिंग है चौका छक्के लगते रहते हैं ये जाहिर सी बात है लेकिन उसकी फीलिंग फास्ट बॉलर को ही पता है कि फास्ट बॉलर का क्या चाहिए क्या चीज़ होती है। ऑफ कोर्स अगर मुझे रन्स पड़ते हैं तो मुझे पता है कि मुझे क्या फीलिंग है उस टाइम अगर दूसरा कप्तान उसको नहीं पता इसलिए मैं ज़्यादा बॉलर्स के साथ बात इसलिए नहीं करता कि ऑफ कोर्स उसने जानबूझ के रन्स नहीं दिए होंगे अपना बेस्ट करने की कोशिश की होगी बट जाहिर सी बात एक प्लान होता है उसकी तरफ जाना पड़ता है बट ओवरऑल क्रिकेट अच्छी खेली थी और क्रेडिट जाते हैं सारे लड़कों को जिसने क्रिकेट अच्छी खेली। ये हारिस साहब की आंख का इशारा भी समझ जाते हैं सवाल आपसे है आप ये इशारों से भी समझा देते हैं इनको बात इस ये समझ लेता है बस जल्दी ही समझ लेता है मैं इसको देख के बस ये समझ लेता है क्या कहने वाला है। हारिस बहुत ज़्यादा जो जिसमें चैंपियन बने लाहौर कलंदर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल मैचेस भी आए आप लोगों के ऊपर बहुत दबाव भी रहा और बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा जब आप विकेट लेने के बाद करते थे तो लगता था कि आप बिल्कुल बैट्समैन को भी विकेट में उठा के उसके साथ ही भेज देंगे बाहर तो ये जो जज्बा आपको आउट करने के बाद आता है ये जो जिस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं ये किस चीज़ का इज़हार है क्यों इतना ज़्यादा आप में आता है कि हर वक्त हर बॉल हर विकेट के बाद वही जोश और जज्बा? देखें जिस तरह बात की अभी लास्ट पीएसएल आप जिस तरह खेले और जो थ्रू आउट हमारी जर्नी थी क्रिकेट की उसकी मेन वजह शाहीन था और जो शाहीन ने जिस तरह टीम के अंदर एक माहौल डेवलप किया हुआ था कि हर प्लेयर के साथ उसके उससे बातचीत करना उसको कॉन्फिडेंस देना और हर मैच से पहले रात को इंडिविजुअल बैठता था हर प्लेयर से प्लान पूछता था कि आपका क्या प्लान है तो मेरा ख्याल है कि जो जितना भी क्रेडिट जाता है शाहीन को जाता है जिस तरह इसने पूरे पीएसएल में किया। बाकी मेरी बात नहीं मेरा जो मेरी कमिटमेंट होती है ग्राउंड के अंदर देना और मैं हर विकेट को सेलिब्रेट करता हूँ और जो मेरी ग्राउंड के अंदर जो कमिटमेंट है अगर मैं उनमें पूरा उतरता हूँ तो मुझे खुशी होती है वो अपनी खुशी की जो सेलिब्रेशन है वो मेरी अग्रेसिव पन में निकल आती है। ये बिल्कुल स्टेडियम का माहौल बना हुआ है यहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं ये सवाल की आवाज़ें आती हैं जब आप मैच खेल रहे होते हैं तो आवाज़ आती है कि एक और विकेट चाहिए तो किस तरह से अपने आप को तैयार रखते हैं? देखिए अभी उनको पता ही मैच नहीं चल रहा और वो इसलिए वो अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं और डिफरेंट जिस तरह हमें प्यार दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखिए यहाँ पे। ठीक है अब जी आप लोगों की बारी है। अच्छा हाफिज साहब अभी